आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विशाखापट्टनम पेट्रोलियम भंडार केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 13,30,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली यह परियोजना आंध्र प्रदेश के साथ साथ समूचे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की वशिष्ठ और S1 विकास परियोजना का उद्घाटन भी किया और कृष्णपट्टनम में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी तमिलनाडु में आज तिरुपुर से कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ मेले में आज बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान किया जा रहा है। शाही स्नान के दौरान विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के बाद इस महीने की 19 तारीख को माघ पूर्णिमा और अगले महीने की 4 तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 और स्नान किए जाएंगे और इसी के साथ कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। हमारे संवाददाता के अनुसार मेला प्राधिकरण ने दावा किया है कि 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्नतशील भारत के निर्माण के लिए हमें प्रगतिशील युवाओं को रोजगार देने के लिए सुनियोजित रणनीति अपनाना होगी। श्री नाथ कल महाराष्ट्र के गोंदिया में स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जयंती उत्सव में मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। श्री नाथ ने स्वर्गीय पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे, खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल और फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी उपस्थित थे। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय तबादलों में लगी हुई है, जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 15 सालों में जितने तबादले नहीं किए, उससे कहीं ज्यादा तबादले 50 दिनों में किए गए हैं। इससे प्रशासनिक अधिकारी हतोत्साहित हो रहे हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इंदौर, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट, मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदन के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध की नीति, आवेदन पत्र का प्रारूप और अनुबंध की अन्य नियम व शर्तें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मियों के स्थायीकरण और अन्य मांगों पर निर्णय लेने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और वित्त मंत्री तरुण भनोत और प्रमुख सचिव वित्त समिति के सदस्य होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को समिति का संयोजक बनाया गया है। यह समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सरस्वती पूजा के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक ज्ञापन भी सौंपा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एक बच्ची के इलाज में लापरवाही पर जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है।
शिवपुरी जिले में जन समस्याओं के निराकरण के लिए 12 फरवरी से ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।